नमस्कार। ई बायोटोरियम ई स्कूटी के बारे में आपके मन में कुछ सवाल है तो वो सारे सवाल मेरे पास आ चुके हैं, करीबन 15 से 16 सवाल है। तो मैं एक एक करते करके उस सवालों के आपको जवाब दूंगा। इसके ऊपर भी अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और बाकी जितने भी सवाल है उन सारे के सारे सवालों का जवाब हम जरूर देंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल मेरे सामने है वो, क्या इसमें कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या हम कलर चूज कर सकते हैं कि नहीं? तो हाँ जी, आप कलर बिल्कुल चूज कर सकते हैं। इसमें चार अलग अलग कलर्स है, व्हाइट, ब्लैक, मरून और ग्रे सिल्वर, ऐसे चार कलर्स इसमें अवेलेबल है। हमारी कोशिश ये जरूर रहेगी कि आपका जो पसंदीदा कलर है वह आप तक पहुंचाएं, मगर हम आपको ये कहते हैं कि कम से कम दो कलर का ऑप्शन हमें दीजिए। तो प्रेफरेंस वन वाला कलर कोशिश करेंगे कि हम आप तक पहुंचाए, अगर नहीं हो पाया तो प्रेफरेंस टू वाला कलर आपके पास पहुंच जाएगा। सर्विस कॉन्टेक्ट नंबर क्या होगा, सर्विस कैसे मिलेगी? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पैन इंडिया सर्विस नंबर हमने दिया हुआ है, वो आपके पास पहुंच जाएगा। सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक आप इस नंबर पे आपकी जो भी कंप्लेंट्स है वो आप इसको दे सकते हो। आपकी जो भी कंप्लेंट्स है वो 48 आवर्स के अंदर अटेंड की जाएगी। हमारी एक थर्ड पार्टी एजेंसी है जिसके थ्रू हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे और आपकी जो भी सर्विस रिलेटेड इश्यूज हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तीसरा सवाल था कि बैटरी की वारंटी क्या होगी, बैटरी अगर डैमेज होगी तो क्या करेंगे, फिर उस और बाकी सारी बैटरी से रिलेटेड कुछ सवाल थे। तो मैं आपको बता दूं कि बैटरी दो प्रकार की है, एक लेड एसिड बैटरी है और एक लिथियम बैटरी है, लिथियम आयन। तो लेड एसिड बैटरी है जिसको 1 साल की वारंटी है और लिथियम आयन को 3 साल की वारंटी है। तो उसमें एक सवाल आपका ये था कि क्या हम बैटरी आपसे परचेस कर सकते हैं या बाहर से परचेस कर सकते हैं? तो हमारी एडवाइस ये रहेगी कि आप ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड से ही बैटरी खरीदें, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट है, हमें पता है उस बैटरी में क्या कॉम्पोजिशन जाने हैं, उसकी साइज क्या होगी, परफॉर्मेंस क्या होगा। तो एडवाइजेबल ये है कि आप हमसे बैटरी खरीदें। स्पेयर पार्ट को लेकर के कि क्या हमें स्पेयर पार्ट मिलेंगे कि या नहीं मिलेंगे या कैसे मिलेंगे? सारे के सारे स्पेयर पार्ट, जितने भी स्पेयर पार्ट मेरे हमारे प्रोडक्ट में लग रहे हैं, वो सारे के सारे स्पेयर पार्ट हमारे पास अवेलेबल है। अगर कुछ स्पेयर में कोई खराबी आती है तो वो सारे के सारे स्पेयर पार्ट आपको आपके घर तक पहुंचाए दिए जाएंगे और हमारी जो थर्ड पार्टी एजेंसी होगी वो आकर के वो सारी रिपेयर करेगी, आपको रिप्लेस करके देगी। इसमें कुछ चीजों में वारंटी है, कुछ चीजों में नहीं होती। तो जिसमें वारंटी है वो चीजें मैं आपको बता देता हूं। मोटर, कंट्रोलर, टायर, चार्जर, ये चार चीजों पे 1 साल की वारंटी है। लिथियम आयन बैटरी पे 3 साल की वारंटी है और लेड एसिड बैटरी पे 1 साल की वारंटी है। तो ये रहा वारंटी का पार्ट। और बाकी बचे हुए जो स्पेयर पार्ट है उसमें आपको जो नॉमिनल चार्जेस होंगे, जो रीजनेबल चार्जेस होंगे, वो आपको देने पड़ेंगे और स्पेयर हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपके डोरस्टेप। अगला सवाल था कि अगर मैं स्कूटी चला रहा हूं, चला रही हूं और अगर रास्ते में बंद पड़ गई तो आप असिस्टेंस कैसे देंगे? तो हमने हमारे प्रेजेंटेशन में भी आपको बताया था कि एक रेडी असिस्ट करके एक सर्विस प्रोवाइडर है जिनके साथ हमने टाइप किया हुआ है, उनका भी नंबर आपको दिया जाएगा। उस नंबर पर आप अगर फोन करते हो तो उनकी एजेंसी के थ्रू एक टोइंग वैन आपके पास पहुंचेगी, एक आदमी वहां पे पहुंचेगा। अगर कुछ माइनर रिपेयर्स है, माइनर चीजें, कोई तारी कसनी थी या फिर बैटरी का लूज कनेक्शन हो गया होगा तो वो इमीडिएट वहां पे आपको हेल्प करेंगे। मगर उनको लगता है कि नहीं, ये गाड़ी शिकायत ठीक नहीं हो सकती, अभी उसको सर्विस सेंटर की जरूरत है या फिर टेक्नीशियन की जरूरत है, तो वो गाड़ी आपकी टो होकर के आपके घर तक वो लोग पहुंचा देंगे। 50 किलोमीटर तक की सर्विस फ्री होगी, उसके ऊपर वो चार्जेबल रहेगा। इसकी सर्विस कैसे की जाती है, इसकी डिलीवरी कैसे होगी, ऐसे सारे आपके सवाल थे। तो सर्विस के बारे में या डिलीवरी के बारे में, शुरुआत में डिलीवरी से करता हूं। तो डिलीवरी जो है 19,000 पिन कोड्स तक हम डायरेक्ट घर तक आपको ये इलेक्ट्रिक बाइक हम प्रोवाइड करेंगे, आपके डोरस्टेप तक आपको मिलेगी। ये है 19,000 पिन कोड पूरे पैन इंडिया में। मगर जहां पे कोई इंटीरियर पे वहां पे सर्विस नहीं है हमारे कुरियर पार्टनर की, तो उस समय जो भी उनका तालुका प्लेस का हब होगा वहां तक हम आपकी गाड़ी आपको पहुंचा देंगे, वहां से आपको गाड़ी चला करके आपके घर तक ले आनी है। तो जहां पे हमारी पॉसिबल है, सर्विस है, वहां पे हम देंगे, जहां पे नहीं है तो नजदीक वाले हब में हम आपकी गाड़ी आपको पहुंचा देंगे। रही बात सर्विस की, सर्विस में जनरल जैसी गाड़ियां होती है उसमें इंजन होता है, तो
इंजन वाली गाड़ियों को 4 महीने 6 महीने में सर्विस लगती है, क्योंकि उसकी ऑयलिंग चेंज करनी पड़ती है, उनके फिल्टर चेंज करने पड़ते हैं, बहुत सारी तमाम चीजें होती है। मगर ईवी में आपको सिर्फ मोटर है, कंट्रोलर है और बैटरी, इन 3 चीजों के ऊपर ही पूरी गाड़ी खड़ी है, उसी पे चलती है। तो इसमें आपको कोई भी वैसे सर्विस की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी जब भी सर्विस की जरूरत पड़ेगी तो ये थर्ड पार्टी एजेंसी जो हम कह रहे हैं आपको, वो सर्विस नंबर जो आपको दिया हुआ है वहां पे आप कॉल करिए, हम आपको क्वार्टरली या सिक्स मंथली करिएगा तो सर्विस हो सकती है। डिलीवरी टाइम के बारे में मैं आपको बताना मेरा रह गया, जिस समय आपके पैसे ई बाय ट्रन को मिलते हैं वो क्रेडिट होते हैं, उसके 2 से 3 हफ्ते में आपका प्रोडक्ट डिस्पैच होता है, और जो भी ट्रांजिट टाइम लगेगा 4 दिन 5 दिन 8 दिन वो ट्रांजिट टाइम में आपको व्हीकल आपकी मिलेगी। अगला सवाल है आरटीओ और इंश्योरेंस के बारे में, उसका कोई कॉन्टेक्ट नंबर है क्या, कैसे होगा आरटीओ का रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस कैसे होगा। हाल फिलहाल में हमारे पास 11 से 12 स्टेट ऐसे हैं जहां पे हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ये स्टेट का नाम है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। जो राज्यों के नाम अभी मैंने आपको बताए वहां पे हम रजिस्ट्रेशन आपका कर सकते हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम है नहीं, वहां पे 2 से 3 हफ्ते में आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, हो जाएगा। इसके अलावा कोई स्टेट हो जहां से आप खरीदते हो उसमें इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को 30 से 45 दिन लगेंगे। जहां पे हमने बताया हुआ स्टेट है वहां पे 2 से 3 हफ्ते, जहां पे नहीं है वहां पे 30 से 45 दिन लगेंगे। इसके लिए भी आपको एक सर्विस नंबर दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे मुझे आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि आधार कार्ड जो आपका हम मोबाइल फोन से लिंक हो वो आधार कार्ड में लगेगा, आपका पैन कार्ड लगेगा, नॉमिनी का नाम लगेगा, नॉमिनी का रिलेशनशिप लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा, मोबाइल फोन नंबर लगेगा। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये सारी की सारी चीजें आप जो सर्विस सेंटर है और उसके साथ जो ईमेल आईडी दिया जाएगा उसके ऊपर आपको भेजनी पड़ेगी, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा। इंश्योरेंस को लेकर के इंश्योरेंस आपका इमीडिएट हो जाएगा इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस के लिए समय नहीं लगता, इमीडिएट आपको इंश्योरेंस हम करा के दे देंगे। क्या हम इलेक्ट्रिक बाइक बारिश में इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, आप बारिश में इस्तेमाल कर सकते हैं, धुआंधार बारिश भी हो तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज है, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप पूरे पानी में यानी वाटर लॉगिंग में ना ले जाए, या पूरे पानी में उसको डुबो ना दे। बाकी आप बिंदास ये व्हीकल यूज कर सकते हो, कितनी भी बारिश हो आप यूज कर सकते हो, सिर्फ वाटर लॉगिंग जहां पे पानी भरा हो उसके अंदर आपको गाड़ी नहीं ले जानी है, इतना ही आपको ख्याल रखना है। सवाल मेरे सामने है कि क्या इलेक्ट्रिक बाइक लीगल है? हाँ जी इलेक्ट्रिक बाइक बिल्कुल लीगल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार इस ईवी इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है, उसको आगे बढ़ा रही है, वो चाहती है कि ईवी में लोग आए, ईवी खरीदे, क्योंकि ईवी उसका फ्यूचर है। तो बिल्कुल लीगल है, और इसके लिए जो भी सर्टिफिकेशन लगते हैं, सीईआरटी एक एजेंसी होती है, आईसीईटी करके एक एजेंसी है, ये दोनों एजेंसी के ऊपर काम करती है, वो दोनों के दोनों सर्टिफिकेशन हमारे प्रोडक्ट्स पे अवेलेबल है। बैटरी वाटर प्रूफ है क्या, वो फिर एक बार दोहराने वाली बात होगी, बैटरी वाटर प्रोटेक्टेड है। मैं वाटर प्रूफ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि बैटरी अगर आपने पूरे पानी में डुबो दी तो उसकी गारंटी कोई नहीं है, मगर बारिश हो रही है तो वो अंदर से हमने उसको बड़े अच्छे तरीके से उसको सील पैक किया हुआ है, उसका एक अच्छा कैबिनेट बनाया हुआ है, तो वो कहीं से भी पानी नहीं जा सकता उसके ऊपर। तो बैटरी वाटर प्रूफ है मगर उसको डुबाया नहीं जा सकता, इट इज अ वाटर प्रोटेक्टेड बैटरी। एक सवाल था कैन आई लॉक द बैटरी, क्या आप बैटरी को लॉक कर सकते हैं? तो मैं ये समझता हूं कि लॉक का मतलब आप ये चाहते हो कि बैटरी सेविंग के लिए कुछ है क्या। तो बैटरी सेविंग की अगर पावर सेविंग की बात हो रही है तो बूट स्पेस में हमने एक ट्रिप बटन दिया हुआ है, इसको अगर आप ट्रिप कर दोगे, इसको ऑफ कर दोगे तो वहां पे आपकी बैटरी आप सेव कर सकते हो। बैटरी चार्जिंग कैसे होगी, ये एक सवाल था। बैटरी चार्जिंग बड़ी सिंपल है, हमने जो बैटरी आपको दी हुई है उसके नीचे आपको एक सॉकेट दिया हुआ है, 3-पिन प्लग है। जैसे आप लैपटॉप चार्ज करते हो, जैसे भी कोई 3-पिन उपकरण चार्ज करते हो, वैसे ही आपको इस ईवी को चार्ज करना है, वेरी सिंपल, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, सिर्फ प्लग एंड प्ले है। एक सवाल है जो कि इंटरेस्टिंग और अच्छा सवाल है कि बैटरी की का ख्याल कैसे रखा जाए, क्या बहुत ज्यादा ठंड हो या बहुत ज्यादा गर्मी हो तो उसमें हमारा प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, कैसे इस्तेमाल करें। तो बैटरी का ख्याल रखने में मैं आपको एक ही 2-3 ही सजेशन है।
उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आप गाड़ी चला करके आते हो आधा घंटा पौना घंटा एक घंटा 15 मिनट के लो और उसके बाद आप तुरंत उसको चार्जिंग पे नहीं लगाना है, उसका कूलिंग पीरियड 20 से 25 मिनट का है। 25 मिनट तक कूलिंग होने के बाद आप उसको चार्जिंग कर सकते हो, इसका आपको ख्याल रखना है और ओवर चार्जिंग नहीं करना है। अगर आपको पता चला कि 100% चार्ज हो गया, उसमें इंडिकेटर है ग्रीन टर कन्वर्ट हो जाता है, इंडिकेट करता है कि आपकी बैटरी पूरी चार्ज है, उसके बाद भी आप उसको चार्ज करो, हालांकि उसमें कट ऑफ दिया हुआ है, तब भी हमारा आपको ये कहना है कि ओवर चार्जिंग उसको ना करें। बहुत ज्यादा धूप हो तो अगर गाड़ी धूप में खड़ी ना करे तो बेटर है, कोशिश करें कि आप शेड में जहां पे छांव हो वहां पे आपकी गाड़ी पार्क करें। और ठंड में -20 डिग्री तक तो ये गाड़ी चलेगी। सिर्फ एक चीज हो सकती है कि उसका परफॉर्मेंस, समझ लीजिए जो रेंज होती है, अगर एक गाड़ी 70-80 किलोमीटर जाती है तो 10 से 12 किलोमीटर वो कम चलेगी, अगर बहुत ज्यादा ठंड है वो भी फ्रीजिंग टेम्परेचर है। तो ये सारे सवाल मेरे सामने थे, तो मैंने कोशिश की आप सभी सवालों के जवाब देने की। इसके अलावा भी कुछ अगर सवाल हो तो हम डेफिनेटली आपको इसका जवाब देंगे। एक वर्ड फॉर्मेट में भी हमने इसके जवाब तैयार किए हुए हैं, वो भी हम आप तक पहुंचा है। धन्यवाद।